दोस्तों हम सब इंसान हैं और हमें पता है कि डेली हमें क्या करना होता है। डेली एक नियम को हम फॉलो करते हैं दोस्तों। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं तो आपको उठने और रात में सोने के पहले तक आप क्या क्या काम करते हैं वो आपको मालूम होता है, बखूबी मालूम होता है। तो एक नियम के अंतर्गत आप काम करते हैं, नियम से चलते हैं कि हमें उठना है, ये करना है, वो करना है, ये काम है, ऐसे करना है। तो दोस्तों ये आपको मालूम होता है कि नियम से आप चलते हैं। तो दोस्तों मॉल 91 में भी आपको एक नियम फॉलो करना होगा, नियम से चलना होगा। कम से कम आपको पता तो चले कि करना क्या है, डेली हमको वर्क क्या करना है, कैसे काम करना है, एक क्या नियम अपनाना है, किस नियम पे चलना है, ये पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक छोटा सा गेम होगा, कहीं खेल का प्रतियोगिता होता है और उस प्रतियोगिता में आप जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उस खेल का जो नियम है उस नियम से आप खेलते हैं, उस नियम से आप प्रैक्टिस करते हैं जो यहाँ का नियम है, तो निस्संदेह आप उस खेल में दोस्तों जीते या हारे लेकिन आप अच्छे खेलते हैं, अच्छे तरीके से उसमें आप खेल दिखाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ है दोस्तों कि मॉल 91 में आप ज्वाइन कर गए हैं तो अब क्या करना है, डेली हमें क्या काम करना है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। मैं आपको एक 8 नियम बताने वाला हूँ मॉल 91 में जो आपको डेली करना होता है। अगर आप वो काम को डेली करेंगे ना तो दोस्तों निस्संदेह मॉल 91 में आप सफल होंगे, मॉल 91 में आपकी तरक्की होगी, मॉल 91 बिजनेस आपका ग्रो करेगा। तो दोस्तों वो 8 नियम क्या है, वो 8 काम क्या है जो आपको करना होता है डेली, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप वो जानना चाहते हैं कि वो 8 नियम, वो 8 काम क्या है, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आपको डॉन्ट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं मॉल 91 से रिलेटेड बनाता हूं, जहां पे मैं मॉल 91 के बारे में पूरी जानकारी देता हूं और साथ ही साथ दोस्तों मैंने वहां पे कुछ टिप दे रखा है जिसको आप फॉलो करेंगे तो मॉल 91 बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मॉल 91 का 8 नियम क्या है, कि जिस नियम पे आप अगर डेली चलेंगे, डेली उस नियम से आप काम करेंगे तो आप मॉल 91 में 100% क्या 200% तरक्की करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आपका बिजनेस मॉल 91 ग्रो करेगा। तो दोस्तों 8 नियम क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मॉल 91 ज्वाइन करते हैं तो आपको मालूम होता है कि एक नेटवर्किंग सिस्टम है, तो उस नेटवर्किंग सिस्टम में अपलाइनर भी होते हैं और डाउनलाइनर भी होते हैं। मतलब आप जहां पे खड़े हैं, जैसे मैं हूं तो मेरे ऊपर जो है अपलाइनर है और मेरे नीचे जो है वो डाउनलाइनर है, ये होता है ना, आप सभी लोग को मालूम है। तो चलिए क्या करना है डेली, वो 8 नियम क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, सीखिए, मेरा मकसद है सिखाना। अगर आप सीख लेते हैं, सीख के काम करते हैं तो जरूर सफल होइएगा मॉल 91 में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला जो नियम है, पहला जो काम है ये देखिए आप लोग के सामने आ गया है, ये देखिए। जी हाँ दोस्तों, अपलाइनर और डाउनलाइनर के कॉन्टेक्ट में रहिए। दोस्तों अपने जो अपलाइनर है, आपके नीचे जो डाउनलाइनर है, उनके कॉन्टेक्ट में आपको हमेशा रहना है। डेली आपको उनको व्हाट्सएप के द्वारा या कॉल हो तो कॉल के द्वारा डेली बात करना है। अपलाइनर से नया अपडेट लेना है मॉल 91 का और डाउनलाइनर को वो बताना है। डाउनलाइनर से आपको डेली बात करना है, उनसे पूछना है कि भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, काम कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं आपको मदद करूंगा। ये आपको करना होगा, डेली काम करना होगा, यही तो करना है। अरे भाई मॉल 91 नेटवर्किंग सिस्टम में क्या करना है, यही काम करना है मैं जो आपको बता रहा हूँ। अरे आप कीजिएगा तो निस्संदेह आपका जो टीम है, टीम बनेगा भी और बरकरार भी रहेगा, परमानेंट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये काम आप करना शुरू कर दीजिए। अपलाइनर के कॉन्टेक्ट में रहिए और डाउनलाइनर के कॉन्टेक्ट में रहिए। अपलाइनर से न्यूज लीजिए, नया अपडेट लीजिए, आप उनसे मदद मांगिए जो आपको नहीं आ रहा है, जो आप सीखेंगे बस अपने डाउनलाइनर को वो चीज बता दीजिए। सब लोग यही काम करना है। तो ठीक है, तो आप समझ गए क्या करना है। तो पहला ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग कीजिएगा। चलिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो नियम है, सेकंड जो काम है, दूसरा जो काम है आपके सामने ये आया, देखिए। प्रतिदिन कुछ नया सीखिए। दोस्तों कहने का मतलब है कि डेली डेली आप जो मॉल 91 में चूंकि काम करते हैं तो डेली आप मॉल 91 की वेबसाइट में जाइए। आपका बता देता हूं कि मॉल 91 का जो वेबसाइट है www.mall91.health.com है। ठीक है, mall91health.com। दोस्तों आप वहां पे जाइए, वहां पे सीखिए, बहुत सारा चीज आपको उस वेबसाइट पे मिलेगा। वहां पे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देखिए, अपलाइनर से बात करके नया नया चीज सीखिए। प्रयास कीजिए कि मॉल 91 में क्या क्या नया आया है,
मतलब चूंकि सीखना तो आपको है ही दोस्तों, तो डेली आपको काम करना शुरू कर दीजिए, डेली कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सीखिएगा तो अपने डाउनलाइन को आप बता पाइएगा, क्योंकि दोस्तों जितना आप डाउनलाइन के कॉन्टेक्ट में रहिएगा, उनको मदद कीजिएगा, उनको बताइएगा, वो आपसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर चाहते हैं कि अच्छा समय तक परमानेंट ऑनलाइन टीम में आपका टीम बना रहे, ऐसा व्यवहार बनाना पड़ेगा, आपको व्यवहारिक बनना पड़ेगा, इसलिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, सीखिएगा तभी तो सिखाइएगा, तभी तो बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरा जो नियम है, तीसरा जो काम है, ये देखिए आपके सामने आ रहा है, ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया सेकंड में कि आपको प्रतिदिन सीखना होगा। अब थर्ड नियम ये है कि आप जो सीखे, आप जो भी सीखे, मतलब मान लेते हैं कि आज हुआ तो आज हम ये चीज सीखे हैं, तो आज ही अपने डाउनलोड को बता दीजिए, ऐसा नहीं कि मैं कल फोन कर लूंगा, परसों फोन कर लूंगा, कॉन्टेक्ट डेली करना है, डेली कॉन्टेक्ट करना है, ये आपका काम है। अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्यूर बिजनेस में तरक्की करें, आप करियर बने आपका, तो ये करना जरूरी है। तो जो भी कुछ सीखिए, जो भी सीखिए, वो तुरंत अपने डाउनलाइन को बताइए, या फिर नए लोग जो उसी ज्वाइन करते हैं उनको बताइए, यानी कि दोस्तों बस सीखना है और सिखाना है, यही तो काम है ऑनलाइन ट्यूर में, और क्या है, सीखिए और सिखाइए, सीखिए और सिखाइए, यही काम करना है दोस्तों। यहाँ पे ना आपकी कोई डिग्री मायने रखता है, ना आपका नॉलेज मायने रखता है, सीखिएगा तो नॉलेज होगा ही, ठीक है। तो दोस्तों मैं बराबर बोलता हूँ, एजुकेशन इज मोटिवेशन, आपका जो ज्ञान है, आपका जो शिक्षा है, वही आपका मोटिवेशन है, वही मोटिवेशन आप अपने डाउनलाइन को देते हैं, अपने शेयर करते हैं डाउनलाइन को, ठीक है। तो प्लीज जो सीखिएगा अपने डाउनलाइन को जो बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, चौथा जो नियम है, तो चौथा जो काम है वो देखिए क्या है, ये देखिए आपके सामने, आप एक नियम बना लीजिए, रोज जो है कुछ लोगों को, नए लोगों को प्लान बताना शुरू करना है, जिसे प्लान बनाए कि चलो आज दो लोगों को प्लान बताना है, या चलिए आप अपने अनुसार तय कर लीजिए कि हमको एक महीना में इतना लोगों को ज्वाइन करवाना है, तो डेली में बताऊंगा, यानी डेली एक आदमी को हम प्लान बताऊंगा, लेकिन प्लान ऐसा बताऊंगा कि वो पूरी तरह से उनको सीख जाए, पूरी तरह से मतलब मेरे, मैं जो हूं वही वो हो जाए, यानी कॉपी, मतलब मैं जो खुद हूं वो मेरा, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो जिन लोगों को, नए लोगों को हम सिखा रहे हैं, वो मेरा कॉपी करना शुरू कर दे। दोस्तों ये होता है प्लान देने का, अगर आप प्लान किसी को दे रहे हैं तो अगर वो आदमी फॉलो करना शुरू कर दिया, आपने जो प्लान दिया है, तो आप प्लान सक्सेस हो गया आपका, मतलब जो आप प्लान दिए हैं वो सक्सेस हो गया, जी हाँ दोस्तों। तो डेली कुछ ना कुछ लोगों को प्लान देना शुरू कर दीजिए, एक नियम बना लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, एक नियम, डेली एक लोग को, दो लोग को, आपके अनुसार, आपके क्षमता के अनुसार डेली लोगों से बात करना शुरू कर दीजिए, नए लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू कर दीजिए, तो ये भी काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को वीडियो है दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगला जो काम है, अगला जो नियम है, पांचवा नियम आपके सामने ये आया, देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कोई मेरे भाई नहीं है जो ऑनलाइन ट्यूर में है और व्हाट्सएप के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आप ये भी जानते हैं कि व्हाट्सएप पे ग्रुप कैसे बनाया जाता है, अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं आता है तब। तो दोस्तों आप एक व्हाट्सएप ट्रेनिंग ग्रुप बना लीजिए, ठीक है, अपने डाउनलाइन का, यानी आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं, चाहे वो फर्स्ट लेवल में है, वो सेकंड लेवल में है, थर्ड लेवल में है, जिस जहां आपका पोजीशन है, जिस लेवल तक आपका पोजीशन है, उन सभी लोगों को डाउनलाइन जो आपके हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप में उनको ऐड कर दीजिए दोस्तों। ये काम आपको करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी चीज आप बताइएगा, जो चीज आप सीखिएगा उनको बताइएगा, तो एक बार में अगर बताइएगा तो सभी लोग के पास वो चला जाएगा, यानी वन बाय वन बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाना ही बनाना है, एकदम मस्ट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट्सएप ग्रुप आपको बनाना है, व्हाट्सएप ट्रेनिंग ग्रुप बनाना ही बनाना है, ठीक है, उसमें लोगों को जोड़ना है और जो भी आपको अपडेट मिले ऊपर से उनको बताना है। तो ये जबरदस्त तरीका है बताने का, ब्रॉडकास्टिंग करने का, ठीक है, तो सभी लोग को एक बार पता चल जाएगा, इसलिए आपका मेहनत भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम तो आपको जरूर करना है, आपको भी करना है, आपके जो डाउनलाइनर में है उनको भी ऐसे सिखाना है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं सेम टू सेम उनको भी तो करना है, तो सभी के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो आप लोग का नियम है, जो काम करना है, छठा जो है वो देखिए आपके सामने ही आया, प्रतिदिन उस ग्रुप में ऑनलाइन ट्यून का अपडेट को आपको डालना पड़ेगा, यानी जो भी चीज आप ऑनलाइन ट्यून के बारे में नया आया है वो अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें डेली अपडेट करना होगा, ये आपका काम है, डेली आपको करना है, कम से कम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो,
सभी लीडर्स कैसे हैं, लोगों को मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा, तो डेली आप उस ग्रुप में कुछ ना कुछ मैसेज लिखिए। अपडेट आया है मॉडल 19 तो ठीक है, नहीं आया है तो बस अपना एक मोटिवेशन उसमें जरूर दे दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि चलो ये कांटेक्ट में है। तो दोस्तों प्लीज गुड मॉर्निंग गुड नाइट जरूर कीजिएगा और एक एक मैसेज जरूर लिखिएगा वहां पे कि भाई लोग कैसे हैं आप लोग, कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिएगा, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। ये लाइन अगर लिख देते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग जो है, सब लोग चाहता क्या है यार, सब लोग तो यही ना चाहता है कि हमको कोई प्रॉब्लम आए तो कोई हो आगे, एक फेस हो जो हमको मदद करे, ठीक है। तो प्लीज उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेली एक अपडेट जरूर डालना है, एक मैसेज जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो नियम है, अगला जो काम है दोस्तों, सातवां जो काम है ये देखिए आपके सामने आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समय समय पे मीटिंग लेना। तो दोस्तों मीटिंग लेने का तो सबसे बढ़िया जो प्लेटफॉर्म है वो आपका मॉल 91 दिया है, चैट 91 करके, सभी लोग को मालूम होगा करीब करीब। तो चैट 91 पे मीटिंग लीजिए, चैट 91 पे ले सकते हैं, नहीं तो जूम पे ले सकते हैं, क्योंकि मालूम है कि जूम पर जो वीडियो कॉलिंग होता है, वीडियो चैटिंग होता है, तो वहां पे भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों एक नियम आप बना लीजिए कि हफ्ता में एक दिन या हफ्ता में दो दिन या हफ्ता में तीन दिन आपके सुविधा के अनुसार मीटिंग लेना है, सभी लोग को उस पर इन्वाइट करना है, ठीक है। मीटिंग लेने से फायदा क्या होता है, क्योंकि उनका आप डाउट को जान पाते हैं, उनसे आप बात कर पाते हैं, उनको आप समझा पाते हैं किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, या उनको आप बता पाते हैं कैसे काम करना है इसमें, मतलब मीटिंग है तो हर चीज कर सकते हैं, हर चीज बता सकते हैं, तो समय समय पर मीटिंग लेना जरूरी होता है, ठीक है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार हफ्ता में एक दिन या दो दिन या तीन दिन जैसे भी हो मीटिंग जरूर लीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो नियम है, अगला जो काम है, लास्ट लास्ट जो काम है आठवां, वो आपके सामने आया, देख लीजिए। आपके नेटवर्क में नए लोग जो भी आते हैं उनको बेसिक नॉलेज देना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज क्या हो सकता है दोस्तों, बेसिक नॉलेज कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी कैसे काम करती है, मतलब जो बेसिक ज्ञान होता है, बेसिक नॉलेज होता है, उनको देना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जिस फील्ड में आप काम करते हैं, जिस कंपनी में आप करते हैं, आपके पास अगर बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्या फायदा यार, आप तो हवा में उड़ रहे हैं फिर। तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो बेसिक नॉलेज तो बता दिया मैंने क्या क्या देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पे आठ नियम आठ काम कंप्लीट हो गया, कहने का मतलब आप डेली आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप डेली ये आठ काम करते हैं, नियम से करते हैं, यकीनन वो दिन आएगा दोस्तों जिस दिन आप मॉडल 91 में सक्सेस कर जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ग्रुप की आपका बिजनेस मॉडल 91 कैसे ग्रो हो गया, कब ग्रो हो गया पता भी नहीं चलेगा। तो ये काम कीजिए, ये काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यही तो काम करना है। कहीं भी आप काम करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करना होता है, तो यहाँ तो यही काम करना है। और दोस्तों हमें नहीं लगता है कि कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा काम घर से करना है, सारा काम मोबाइल से करना है, और अभी के दौर में तो मोबाइल दोस्तों हर कोई चलाना जानता ही है। तो दोस्तों प्लीज ये काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक पैसिव इनकम आपको मिले, एक ऐसा इनकम जो आप काम नहीं करें फिर भी वो इनकम आता रहे, तो उसके लिए तो ये करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज मेरे भाई, अगर आप सिंसियर हैं, मॉडल 91 से कुछ करना चाहते हैं, अपना करियर को बनाना चाहते हैं, तो आठ नियम जो है आठ काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो की यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक दे दीजिएगा मेरे भाई, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और मेरे भाई जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दीजिएगा, क्या कि आपको इसी तरह का वीडियो यहां से मिलते रहता है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत जय मॉडल 91।